मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने को लेकर लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक तिरंगा फहराया जाए, जिसका सभी लोगों को पालन करना है। उन्होंने कहा 13 अगस्त से सरकारी गैर सरकारी दुकान मकान पर 17 अगस्त तक तिरंगा फहराया जाए। देश के सभी पोस्ट ऑफिस में तिरंगा उपलब्ध रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 3,50,00,000 घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। झंडा फहराने के लिए सोशल मीडिया, समाचार पत्र, न्यूज चैनल के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाए। इस अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, डीआईजी जे रविन्द्र गौड़, जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेस, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ये सब का भी माल है, 26 का भी माल है। कितना एक ना जानी गड्डी का भी काम वालों को देने के लिए मुझे कहा गया था कि हम लोग
हमने जो बैठक डीजीपी साहब के साथ वहां की थी कि 16 और 17 तारीख तक यानी आज मंडे से पहले पूरे कावड़ मार्ग की मरम्मत हो जाएगी। मैं चाहूंगा कि कमिश्नर मेरठ और बिजली से सुरक्षित रखने की व्यवस्था, इन तीन चीजों पर सर आज बहुत इम्पोर्टेंट मैं कहना चाहूंगा कि सभी की रिपोर्ट लिखा पढ़त में जिले वाइज आगे स्ट्रिक्ट एक्शन का निर्देश दिया है। छोटी घटना में अनावश्यक रूप से आगे बढ़ने दिया गया इस कारण से कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मोर्चा छोड़कर